अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी आज अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाएगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली जयंती है। इस मौके पर सैफई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें पार्टी के सभी सदस्य शामिल होंगे। इनमें अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद होंगे। इसके अलावा अभिषेक यादव, आदित्य यादव और तेज प्रताप भी यहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। और पहली जयंती के अवसर पर इटावा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के सैफई पंडाल पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं पूरे प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन जयंती मनाएंगे नेताजी की। पार्टी ने सभी जिलों में मुलायम सिंह की जयंती सादगी के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं और हर जिले में पार्टी कार्यालय में नेताजी के चित्र पर कार्यकर्ता पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और इस दौरान कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और उनके संघर्ष को याद करेंगे अलग अलग हिस्सों में। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आज जिंदा होते तो उनका जन्म दिवस समाजवादी पार्टी बड़े धूमधाम से मनाती, लेकिन 10 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद पहली बार उनका कहा जाए जो जन्म दिवस पड़ रहा है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी सैफई के महोत्सव पांडाल में एक बड़ा कहा जाए श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ा होर्डिंग नज़र आ रहा है इसको नाम दिया गया है 22 नवंबर धरती पुत्र दिवस, जिसमें मुलायम सिंह यादव का बड़ा आदमकद फोटो और उसके साथ ही तमाम और अन्य फोटोग्राफ्स भी उस होर्डिंग में नज़र आ रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज जिस तरीके से जो पूरा जो सैफई कुनबा है वो यहाँ इकट्ठा होगा, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ नज़र आएंगे। इसके साथ ही एक और फोटो उनका मुलायम सिंह यादव का लगाया गया है जहां लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं बात करते हैं सैफई के जो प्रधान है रामपाल वाल्मीकि जी, उनसे बात करते हैं। सर, नेताजी के जाने के बाद पहला उनका सब लोग जन्मदिवस मनाएंगे, जयंती मनाएंगे, तो क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या यहाँ से मैसेज देने वाले हैं? मान्यवर, मैं रामपाल वाल्मीकि प्रधान सैफई हूँ और पूजनीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं। नेताजी का ये राजीमा 83 जन्मदिवस है। हम लोगों का, हमारी पार्टी का उसूल है कि नेताजी के जो कार्यक्रम नेताजी चालू किए थे समाजवादी विचारधारा के, जो अधूरा सपना नेताजी का कार्यों का रहा है, उसको हम लोग आज जन्मदिवस के रूप में याद करेंगे और शपथ लेंगे कि जो अधूरा कार्य नेताजी छोड़ गए हैं हम लोगों के बीच आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभा पूरा किया जाए। तो कौन कौन लोग आज रहने वाले हैं श्रद्धांजलि सभा में उनके जन्मदिवस? ऐसा है मान्यवर, यहाँ पर तो पूरा परिवार है। कहाँ कहाँ से कार्यकर्ता बुलाए? कार्यकर्ताओं को कोई निमंत्रण तो दिया नहीं गया है। जिसकी इच्छा, जो नेताजी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, नेताजी को अपने देवता मानते हैं, मैं तो नेताजी को भगवान मानता हूँ, पहले भी मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो पिता तुल्य थे और मैंने भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति में पूजा और आदरणीय नेताजी को मैंने भगवान के रूप में पूजा, आज मैं पूजा रहा हूँ। सैफई से मित्र उपाध्याय, MP गंगा। तो देखिए वहां पर किस तरीके से तैयारियां चल रही है। नितिन की रिपोर्ट आपने देखी और जो कार्यकर्ता है वो पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। सादगीपूर्ण तरीके से ये पूरा कार्यक्रम वहां पर चलेगा। नितिन उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। नितिन, कितने बजे वहां पर तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचेंगे? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को लेकर क्या जानकारी है और कार्यक्रम की शुरुआत कब से होनी है? देखिए, कार्यक्रम की वैसे औपचारिक जो शुरुआत है करीब 11 बजे से होनी है, लेकिन थोड़ा जो सैफई कुनबा है, सैफई परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और आज हज़ारों लोग यहां जुटने की उम्मीद है, क्योंकि नेताजी का निधन 10 अक्टूबर को हुआ, उनकी पहली जयंती आज है, तो इसको नाम दिया गया है धरती पुत्र दिवस। देखिए, बड़ा होर्डिंग लगाया गया है, नेताजी का बहुत शानदार बड़ा फोटो एक उस होर्डिंग में नज़र आ रहा है। इसके साथ ही कई सारे छोटे छोटे फोटोग्राफ्स भी लगाए गए हैं। नेताजी की जो पूरी संघर्ष गाथा रही है, उनकी जो पूरी राजनीतिक यात्रा रही है, एक नीचे फोटो लगाया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि उसको जूम इन करें। तो कुल मिला के यहाँ लोग पहुँचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और तैयारियाँ अंतिम दौर में चल रही हैं, मंच को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें पूरा सैफई परिवार जुटेगा, अखिलेश यादव जुटेंगे, रामगोपाल यादव प्रत्याशी हैं जो मैनपुरी उपचुनाव की, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, इसके
साथ ही समाजवादी पार्टी के यहाँ से जो सैफई गांव के और सैफई से आसपास के तमाम कार्यकर्ता पहुँचेंगे, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पहुँचेंगे। हालांकि उनको कोई आने का वो नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी नेताजी को श्रद्धांजलि बतौर कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे और ये कहीं ना कहीं इसको पहली श्रद्धांजलि बतौर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव कैसे जीता जाए, यहाँ से एक भावनात्मक अपील जो पार्टी के नेतृत्व की तरफ से की जाएगी। और चूँकि जिस तरीके से नेताजी का एक भावनात्मक ज़मीनी लगाव यहाँ की जनता से रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे। नेताजी अगर आज जिंदा होते तो ये उनका 83वां जन्मदिवस होता। रामफल वाल्मीकि सैफई के प्रधान हैं, उनसे भी बात की। उनका कहना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बहुत ही सादगी से मनाया जाएगा। उनकी पहली जयंती, चूँकि चुनावी परिवेश में उनकी जयंती पड़ रही है, पहली जयंती पड़ रही है, इसलिए एक भावनात्मक अपील यहाँ से पार्टी नेतृत्व अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से करेंगे कि नेताजी को सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जितवाकर डिम्पल यादव को लोकसभा भेजना। और नेताजी से जुड़े हुए तमाम जो कहा जाए गीत हैं वो चल रहे हैं, जो नेताजी की पूरी संघर्ष गाथा है, पॉलिटिकल यात्रा है, उसको बता रहे हैं। जो पुलिस के जवान हैं या जो कहा जाए जो जिम्मेदारी देख रहे हैं वो लगातार यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये बड़ी श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन पूरी तरह से सादगी से मनाई जाएगी। सैफई का परिवार सादगी के तरीके से ही मनाया जाएगा। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इसके लिए इंतजाम भी सैफई पंडाल में किए गए हैं। शुक्रिया नितिन आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।